दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में फिर से बढ़ गया लॉकडाउन। सरकार ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन, तो जानेंगे कि बिहार में कब तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। पर इससे पहले आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी को बीजेपी ने दिया है करारा जवाब, लगाए हैं कई गंभीर आरोप। इस खबर को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के साथ अब JDU का गठबंधन लगभग तय। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में भी बदले जा सकते हैं उपराज्यपाल, जानिए किन किन नामों पर है चर्चा। और इसी के साथ जानेंगे कि मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों को बीमा से पहले अपने मान सम्मान के सुरक्षा की गारंटी चाहिए। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव हैं और वहां पर शिवराज और महाराज अब साथ साथ करेंगे विधानसभा क्षेत्रों के दौरे। और इसी के साथ जानेंगे कि विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को मलेशिया ने दिया है बड़ा झटका। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि आमिर खान फिर से आए विवादों में। इस खबर के विस्तार में जानेंगे कि क्या है वो विवाद और क्यों पड़े हैं इस पचड़े में। और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चीन को बड़ी कारोबारी चोट, भारत आने की तैयारी कर रही है 24 मोबाइल कंपनियां। तो दोस्तों ऐसी ही 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि अभी भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 26,90,473 हो गई है, उसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 6,72,449 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 19,65,328 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 51,789 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां पर 6,04,358 मामले हो गए। वहीं तमिलनाडु में 3,43,945 मामले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,96,609 मामले और कर्नाटक में 2,26,966 मामले हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में 1,58,216 मामले और दिल्ली में 1,53,367 मामले हो गए हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि बिहार में फिर से बढ़ गया है लॉकडाउन। आपको बता दें कि सरकार ने जारी कर दी है नई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन या अनलॉक के अगले कदम को लेकर सरकार के स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अनलॉक 3 की समय सीमा रविवार की रात 12 बजे खत्म हो चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका था। शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ कि लॉकडाउन या अनलॉक की समय सीमा समाप्त होने के बाद आगे की गाइडलाइन आई है। आपको बता दें कि बहरहाल राज्य सरकार में महामारी के संक्रमण के स्तर को देखते हुए 6 सितंबर तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू रखा जाएगा। बसें नहीं चलेंगी, पहले की तरह निजी वाहन, ऑटो और टैक्सी को चलाया जा सकेगा। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखा जाएगा। शॉपिंग मॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन देगा। तो दोस्तों आखिरकार बिहार में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। हम यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप जहाँ पर रहते हैं क्या वहाँ पर ही अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी को बीजेपी ने दिया है करारा जवाब, लगाए हैं कई गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP Nadda ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि गांधी परिवार ने PM NRF में अपनी परमानेंट जगह बना ली है। गांधी परिवार ने PM NRF पारिवारिक ट्रस्ट में पैसा भी ट्रांसफर किया है। गांधी परिवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर चीन से भी पैसे लिए हैं। पीएम केयर फंड को लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। आपको बता दें कि JP Nadda ने लगातार 3 ट्वीट करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। पहले ट्वीट में लिखा कि ऐसा तब होता है जब प्रिंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस बिना पढ़े लिखे कोई लेख को साझा करते हैं। RTI को कोई अन्य RTI के विवरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दायर किया गया था और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर ये स्वाभाविक है कि आपका करियर केवल फर्जी खबरें फैलाने पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपका भरोसा किस पर है, राहुल गांधी पर या पीएम मोदी पर? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट पूरा देश देखता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के साथ JDU का गठबंधन लगभग तय। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दल साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि इस बात के संकेत पहले से मिल रहे थे कि बिहार में दलितों की राजनीति करने वाले नेता पाला बदल सकते हैं। उधर इसी कड़ी में NDA के घटक दल LJP और JDU के बीच समीकरण बिगड़ने की खबरें सामने आ गई हैं। वहीं JDU से बर्खास्त मंत्री श्याम रजक ने भी आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली। दोस्तों आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का नाम सुर्खियों में तब आया था जब नीतीश कुमार ने उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि बाद में जब दोबारा नीतीश को CM बनाने की मांग उठी, तब मांझी ने
पद छोड़ने से इनकार कर दिया था और बगावत पर उतर आए थे। आखिरकार नीतीश कुमार फिर से सीएम बने और मांझी ने नीतीश की पार्टी से अलग होकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया। बाद में जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन चुनाव में करारी हार के बाद वहां से भी अलग हो गए। अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में मुकाबला करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में भी बदल सकते हैं उपराज्यपाल। जानिए किन किन नामों पर है चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि यूं तो दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल अनिल बैजल का कार्यकाल अभी बाकी है, लेकिन संभव है कि उससे पहले ही बदलाव हो जाए। ऐसे में पूर्व सीजीए राजीव महिर्ष को कमान दी जा सकती है। बैजल को दिसंबर 2016 में नजीब जंग की जगह दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल बैजल के कामकाज को लेकर थोड़ी नाराजगी बताई जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार तक शिकायत भी पहुंचाई जा चुकी है। महामारी को लेकर उनका एक फैसला इस नाराजगी से जुड़ता है। दिल्ली सरकार ने महामारी के मरीजों को होम क्वारंटीन में रखने का फैसला किया था, लेकिन अलीन बैजल ने इस फैसले को बदल दिया था। बाद में उन्हें अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनिल बैजल की तरह ही राजीव महिर्ष भी गृह सचिव रह चुके हैं। यही नहीं, गृह सचिव बनने के पहले वे 2 साल तक वित्त सचिव का कार्यभार भी पूरा कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजीव महिर्ष उपराज्यपाल बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मायावती ने बोला कि ब्राह्मणों को बीमा से पहले अपने मान सम्मान की सुरक्षा की गारंटी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए ब्राह्मण वोटों को लेकर बयानबाजी जारी है। आपको बता दें कि सोमवार को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा नेता उमेश द्विवेदी के बयान पर ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी की भाजपा सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात इस वर्ग के प्रति अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती लगती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को बीमा से पहले मान सम्मान और सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि भाजपा नेता उमेश द्विवेदी ने बयान दिया था कि योगी सरकार गरीब ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में शिवराज और महाराज साथ साथ करेंगे विधानसभा क्षेत्रों के दौरे। दोस्तों आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट आना तय है। आपको बता दें कि विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव की संभावना अक्टूबर में है, जिसके मद्देनजर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ 25 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जनसंपर्क और संवाद करेंगे। 2 विधानसभा क्षेत्रों में वे पहले ही सांझा दौरा कर चुके हैं। दोनों का सांझा दौरा कार्यक्रम 22 अगस्त तक अंतिम रूप से तय हो जाएगा। पार्टी ने विधानसभा सीटों पर नियुक्त चुनाव प्रभारियों को भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर प्रत्यक्ष संपर्क प्रारंभ कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने तय किया है कि उपचुनाव में शिवराज और महाराज की जोड़ी उपचुनाव क्षेत्रों में पहुंचकर चुनाव अभियान को गति देगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि शाहीन बाग के मुद्दे पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर तंज, कहा कि तैयार की गई थी पूरी स्क्रिप्ट। दोस्तों आपको बता दें कि शाहीन बाग मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले दिल्ली का चुनाव बिजली के मुद्दे पर मुकाबला किया जाता था, पानी के मुद्दे पर मुकाबला होता था, सड़क के मुद्दे पर मुकाबला होता था, प्रदूषण के मुद्दे पर मुकाबला होता था, परंतु इस बार दिल्ली का चुनाव भाजपा ने जो मुकाबला किया वो इन मुद्दों पर नहीं बल्कि शाहीन बाग के मुद्दे पर किया। भाजपा के चुनाव में मुकाबले की जो रणनीति होती है वो कई ऐसी नहीं होती कि प्रवेश वर्मा नाम का कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से ऐसी रणनीति बना ले या कोई अनुराग ठाकुर उसका फैसला कर लेगा। बाकायदा उच्च स्तर के नेताओं द्वारा बैठक करके रणनीति तैयार की जाती है और इस चुनाव की रणनीति में क्या होगी, क्या कपट की रणनीति होगी, ये बाकायदा तय किया जाता है कि दिल्ली का चुनाव भाजपा शाहीन बाग के मुद्दे पर मुकाबला करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चुनाव के तहत पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी कि कौन किसको गाली देगा, कौन किसकी बदतमीजी करेगा, कौन क्या बोलेगा, पहले कौन बोलेगा और बाद में कौन बोलेगा, ये सब कुछ सुनियोजित था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कांग्रेस खुद नहीं जानती कि उनके नेताओं ने क्या किया और क्या नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खोला, जबकि दूसरी तरफ शशि थरूर कहते हैं कि उन्होंने ताला नहीं खोला। कांग्रेस खुद नहीं जानती कि उनके नेता ने क्या किया और क्या नहीं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पूर्व पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को ये पता नहीं कि उनके नेताओं ने क्या किया और क्या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत खराब, आराम करने की दी गई सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ गई है। अशोक गहलोत को बुखार की शिकायत बताई जा रही है। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच के बाद सीएम गहलोत को आराम करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि चिकित्सक सीएम के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। महामारी जांच के लिए गहलोत का सैंपल भी लिया गया है। वहीं राज्य सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। तेज बुखार के कारण चिकित्सकों ने डॉक्टर जोशी को भी आराम करने की सलाह दी है। इधर भाजपा विधायक पब्बा राम विश्नोई महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। विश्नोई ने महामारी शुरुआती लक्षण दिखाई देने के बाद रविवार को अपनी जांच करवाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को आई रिपोर्ट में वे महामारी पॉजिटिव पाए गए। पब्बा राम ने हाल ही में शुक्रवार को विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से मुलाकात की थी। दोस्तों ये खबर दिखाने के पीछे मकसद ये था कि इस समय महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है, अमीर और गरीब बिल्कुल नहीं देखती, इसलिए आप सावधानी खुद बरतें। कभी भी बाहर जाएं तो मास्क पहनकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि चीन को बड़ी कारोबारी चोट, भारत आने की तैयारी कर रही है 24 मोबाइल कंपनियां। दोस्तों आपको बता दें कि चीन को कारोबारी झटका देने के लिए भारत सरकार की कोशिश लगातार रंग लाती दिखाई दे रही है। अब चीन से अपना 24 कंपनियां अपने मोबाइल फोन उत्पादन का कारखाना भारत में लगाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और महामारी संक्रमण से कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाइड करना चाहती है। यही वजह है कि ये कंपनियां चीन के बाहर सप्लाई चेन के विकल्प खोज रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग के अनुसार सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों के कई असेंबली पार्टनर भारत आना चाहते हैं। इन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगाने के लिए $1.5 अरब यानी कि 11,222 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया है। आपको बता दें कि इसके पहले चीन से अपना कारोबार समेटने जा रही कंपनियां वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड की ओर रुख करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन भारत ने अब तत्परता दिखाते हुए इन कंपनियों को अपने यहां आने के लिए प्रेरित किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि टर्की राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान की मुलाकात पर छिड़ा दंगल, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। दोस्तों आपको बता दें कि आमिर खान सुबह से ही सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बने हुए हैं। दरअसल आमिर खान ने टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात की है। वैसे तो ये मुलाकात एक निजी मुलाकात है, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि आमिर खान का भारत विरोधियों से कैसा याराना। दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि एर्दवान एक इस्लामिस्ट राष्ट्रपति हैं और लगातार भारत विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। कश्मीर के मसले पर भी उन्होंने खुलकर भारत का विरोध किया था। हालांकि एक ओर जहां आमिर खान का विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर उनके बचाव में भी लोग खड़े हैं। दलील ये दी जा रही है कि वो किसी से भी मिले क्यों फर्क पड़ना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आमिर खान को लेकर हंगामा इसलिए भी बरपा क्योंकि ये वही आमिर खान है जिसने कहा था कि भारत में डर लगने लगा है। ऐसे में टर्की के राष्ट्रपति के साथ आमिर खान का मेलजोल बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी से जुड़े लोगों को रास नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे हंगामे को फिजूल बताने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को मलेशिया ने दिया झटका, ड्रैगन के इस दावे को किया खारिज। दोस्तों आपको बता दें कि विस्तारवादी सोच रखने के चलते चीन को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। अब मलेशिया भी चीन के सामने तनकर खड़ा हो गया है और उसने साउथ चाइना सी पर ड्रैगन के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने संसद को अपने सबसे बड़े कारोबारी पार्टनर को फटकार लगाते हुए कहा कि मलेशिया चीन के इस दावे को खारिज करता है कि उस पानी पर उसका ऐतिहासिक अधिकार है। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए हिशामुद्दीन हुसैन ने कहा कि मलेशियाई सरकार साउथ चाइना सी में समुद्री सुविधाओं पर चीन के दावे पर कह रही है कि उसका यानी कि चीन का कोई भी आधार नहीं है। ये मलेशिया के लिए एक असामान्य कदम है जिसने अतीत के साथ व्यापार करने के सभी रास्तों को खुले रखने के लिए चीन को फटकार लगाने से परहेज किया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि हमें आत्मनिर्भर बनना है लेकिन वैक्सीन रूस बनाएगा, तेज प्रताप यादव का मोदी सरकार पर तंज। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नारे को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है लेकिन वैक्सीन रूस बनाएगा। आपको बता दें कि उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक ने लिखा है कि तो क्या वो भी मोदी जी बनाए, हमारे डॉक्टर्स के काबिलियत पर भरोसा रखिए, वो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे। और आपको बता दें कि चीन ने कहा कि भारत के साथ उचित तरीके से मतभेद सुलझाने के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने सोमवार यानी कि 17 अगस्त को कहा कि वह आपसी राजनीतिक भरोसा बढ़ाने, अपने मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों की रक्षा करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नियमित संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की।
पश्चिमी मीडिया के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर चीन की प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारतीय सैनिकों ने देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के संबोधन का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि हम करीबी पड़ोसी हैं, 1 अरब से ज्यादा आबादी के साथ हम उभरते हुए देश हैं, इसलिए द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए हित में है, बल्कि ये क्षेत्र और समूचे विश्व की स्थिरता, शांति और समृद्धि के हित में भी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि एक्सपर्ट की राय में ट्रंप की छवि अमेरिका में खराब, राष्ट्रपति चुनाव जीतना काफी मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां की सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जो बिडेन और उपराष्ट्रपति प्रत्याशी कमला हैरिस हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में होने हैं। अमेरिका में होने वाले इस चुनाव पर पूरी दुनिया के राजनेताओं के अलावा राजनीतिक विशेषज्ञों की भी निगाह लगी हुई है। ट्रंप और बिडेन दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विशेषज्ञ ट्रंप को बिडेन की तुलना में कमजोर प्रत्याशी मानते हैं, इसलिए वो इस चुनाव में ट्रंप की जीत को 10 में से केवल 2 ही नंबर दे रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का कोई भी स्टैंड नहीं है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है, कई बार वो अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि अब आप बिना डेबिट कार्ड के भी निकाल सकेंगे ATM से कैश, जानिए ये आसान तरीका। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ATM पहुंचते हैं पर डेबिट कार्ड घर पर भूल जाते हैं। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है, अब आप डेबिट कार्ड नहीं होने के बावजूद ATM से कैश निकाल सकते हैं। दरअसल कई बैंकों ने ATM पर कार्डलेस कैश की निकासी की सुविधा दी है। इस सुविधा के जरिए बिना ATM डेबिट कार्ड के आप कैश निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। इस सुविधा को बैंकों ने शुरू तो कर दिया, लेकिन लोगों को अब भी इस सर्विस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि आप सबसे पहले ये पता लगा लें कि आपका बैंक ये कार्डलेस सुविधा देता है या नहीं। अगर आपका बैंक ये सुविधा देता है तो आप उसका ऐप डाउनलोड करें। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो योनो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। योनो कैश ऑप्शन में जाएं और फिर कैश ऑन मोबाइल विकल्प को क्लिक करें, फिर कार्डलेस कैश विड्रॉल को क्लिक करें। इसके बाद जितना कैश निकालना चाहते हैं उसे भरें, ट्रांजेक्शन को ओके कीजिए और बैंकिंग ऐप के पिन को डालिए। बैंक एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजेगा, जो एक तय समय के लिए होगा। इसके बाद आप अपने बैंक की ATM के पास जाइए, उसमें कार्डलेस कैश विड्रॉल का विकल्प चुनिए, अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP डालें जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ है, ठीक उतना ही कैश अमाउंट डालें जो आपने ऐप में भरा था। इस तरह आप बिना ATM डेबिट कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि अगले 2 दिनों में इन राज्यों में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जताई है संभावना। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में अच्छी बारिश हो सकती है, इसका अनुमान जताया है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। विभाग ने मंगलवार को राज्य में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने जबकि अधिकांश जगहों पर चमक और गरज के साथ पानी बरसने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार बुधवार को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।